क्या भारत को मिल गया है एक और नया बल्लेबाज शेर? आखिर कैसे यश ढुल ने एक ही पारी खेलते हुए कर ली महान बल्लेबाज सचिन और रोहित की बराबरी? आखिर कैसे यश ढुल की जिंदगी और क्रिकेट करियर मिलते हैं रन मशीन विराट कोहली से? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्रिकेट जगत में आज हर कोई जिस एक शख्स की बात कर रहा है वो है अंडर 19 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम कैडेट कप्तान यश ढुल। अपनी टीम को विश्व कप का खिताब जितवाना काफी कहां था, जो यश ने अब अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की भी धमाकेदार शुरुआत की है। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के लिए खेलते हुए अपने पहले ही मैच में शतक लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और इसी के साथ ही वह डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ खड़े हो गए हैं। तमिलनाडु के खिलाफ खेलते हुए यश ढुल ने 113 रनों की शानदार पारी खेलते हुए हर किसी को अपना फैन बना लिया। यश ने न केवल शतकीय पारी ही खेली बल्कि अपनी टीम के संकट मोचन भी बने। शुरुआती दो झटकों के बाद उन्होंने तीसरे विकेट के लिए नितेश राणा के साथ 60 रनों की साझेदारी की। इस पारी के दौरान यश ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए लोग अब थक ही नहीं रहे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट में लिखा, अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर शतक। यश ढुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम अगले कुछ वर्षों में बहुत कुछ करते हुए देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मशहूर क्रिकेटर कमेंटर हर्षा भोगले ने कहा, युवा यश ढुल को तमिलनाडु के खिलाफ शीर्ष क्रम में शतक बनाते हुए देखना अच्छा है। आपको बताते चले कि यश ढुल विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और उनके ही तरह तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। और यह बात शायद आपको मालूम हो कि यश और विराट के जीवन की कई बातें आसपास मिलती भी हैं। यश और विराट दोनों ही दिल्ली से हैं और दोनों ने ही अंडर 19 टीम का नेतृत्व करते हुए अपनी टीम को विश्व कप का खिताब दिलवाया है। इसके अलावा बात करें तो आपको पता हो कि साल 2006 में विराट कोहली कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच खेल रहे थे और तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बावजूद अगले दिन विराट अपनी टीम को बचाने के लिए मैदान में उतरे थे। ठीक ऐसा ही हुआ था यश के साथ जब 2017 में उन्होंने अपने दादा को खो दिया, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट के मैदान में डटे रहे। यश का मानना है कि वो 18 महीनों के अंदर ही भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए हर एक पारी अहम हो जाती है। आने वाले टाटा आईपीएल 2022 में यश ढुल दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा होंगे। इस बार के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने यश ढुल को 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़। धन्यवाद।